क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इनडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर ए, मतलब न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो उसके मास नंबर पे इनडिपेंडेंट होती है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे हम डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द इन द न्यूक्लियस। ठीक ना, एम मतलब न्यूक्लियॉन हो गया, या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं दोनों को कंबाइन कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं एक न्यूक्लियॉन, ऐसा नहीं। एक प्रोटॉन को भी एक न्यूक्लियॉन कह सकते हैं और एक न्यूट्रॉन को भी एक न्यूक्लियॉन। ठीक ना, क्लियर। तो ये किसी मतलब एक न्यूक्लियॉन्स का मास है ये, और ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो टोटल मास हो गया, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक ना, और मतलब यहां पे प्रोटॉन का भी मास हो सकता है और न्यूट्रॉन का, क्योंकि इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है। वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 पलट के ऊपर जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या होगा, 3ma अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट यहां पे कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.15 इंटू 10 की पावर -15। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, क्लियर। अब यहां पे रख दो, तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस रो इक्वल टू 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, तो रो इक्वल टू हो जाएगा 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 इंटू 3, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो रो इक्वल टू क्या आ गया, 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, ए से ए कैंसिल, तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या आ गई, 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। अब इसमें मास नंबर है क्या, मास नंबर नहीं है, तो प्रूफ हो गया कि जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक ना, क्लियर।